मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योति संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मई 2020 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह महीना। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल से डाली जाए सीधा आपके पास पहुँचे और आप देखें, उसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों को भेजिए, ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि इस महीने में कौन सा व्रत अथवा त्यौहार आएगा। इस महीने में 1 मई को श्री बंगलामुखी जयंती होगी, 3 मई को श्री मोहिनी एकादशी का व्रत होगा, 7 मई को बुध की पूर्णिमा रहेगी और 18 मई को श्री अचला एकादशी का व्रत होगा, 22 मई को अमावस्या होगा जो पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है और पितरों को प्राप्त होता है। जिसकी पत्री में अगर पितृदोष है तो त्रिपिंडी का श्राद्ध इस दिन कराने से मनोकामना पूरी हो जाती है। हम आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा पूरा महीना। कुंभ राशि का मालिक शनि द्वादश स्थान में सुग्रीव विराजमान रहेंगे, जो कि आपका कुछ घर के कार्यों में खर्च बढ़ जाएगा। आपका मकान या पारिवारिक विवाह शादी घर में होंगे जिसमें धन खर्च होगा। आपके थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए। आपके लग्न पर मंगल होने से आपको क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, जलन आपके शरीर में नहीं ले आना चाहिए, क्योंकि मंगल आपको चिड़चिड़ा बना देता है, तो थोड़ा सा बचना चाहिए। आपके पंचम स्थान में राहु होने की वजह से आपको पेट संबंधी भी दिक्कत आ सकती है। आपको अगर कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो उसमें विलंब बाधाएं बनेंगी, उसके बाद सफलता मिलेगा। अगर आपका संतान कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी रोड़ा पड़ेगी, उसके बाद सफलता मिलेगा। आपके द्वादश स्थान में शनि सुग्रीव विराजमान है, जिसकी तीसरी दृष्टि धन पर है। अब अगर आप कोई धन का लेन देन करते हैं तो आप जो है सावधानी बरतें, जल्दीबाजी ना करें, बड़ा विचार कर किसी को धन दें तो अच्छा रहेगा, नहीं कुछ पैसा आपका रुक सकता है। शनि की सातवीं दृष्टि शत्रु स्थान पर होने की वजह से शारीरिक पीड़ा आपको मिल सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है या हल्का फुल्का चोट चपेट की संभावना भी आपको बन सकती हैं। और शनि की दसवीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर उच्च दृष्टि रहेगी, जो कि भाग्य का उदय कराएगा। कोई रुका हुआ कार्य सफलता, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा, आप विदेश जा सकते हैं, आपको लाभ होगा। या विदेश जाने का योग बना रहे हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, यह समय आपके लिए सुपयोगी रहेगा। या देश में ही कहीं घूमना इत्यादि जाना चाहते हैं तो यह समय भी अच्छा रहेगा। आपको ठंडे स्थानों पर भी जाने से अच्छा योग बनाता है। लाभ स्थान पर केतु होने की वजह से आपको लाभ तो बहुत कराएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको रोड़ा देगा, उसके बाद आपको लाभ होगा। यह महीना ऑल ओवर सब मिलाकर बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि पूरे महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पूरे महीने में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नाक, गला, पेट का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका सब कुछ ठीक रहेगा। आपको बताते हैं व्यापार और नौकरी कैसी रहेगी। इस महीने में आपके व्यापार नौकरी में अच्छी सफलता रहेगी, उन्नति होगी। कई अगर व्यापार बिजनेस इत्यादि करना चाहते हैं तो इस महीने आप आरंभ कर सकते हैं। नौकरी अगर आपको कोई चेंज करनी है तो इस महीने आपको बिल्कुल करना चाहिए। इस महीने अब आपका प्रेम और दाम्पत्य कैसा रहेगा। इस महीने में आपका प्रेम दाम्पत्य क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र सुग्रीव बैठे होने की वजह से शुक्र उस समय अस्त भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पत्नी को शारीरिक पीड़ा हो सकती है। फिर भी आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा, आपका प्रेम रहेगा और दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। इस महीने में आपके गृह में कोई शुभ कार्य विवाह शादी इत्यादि घर में हो सकते हैं और मांगलिक कृत्य हो सकते हैं जिसमें आपका पैसा खर्च होगा। इस महीने अब कैसा रहेगा आपका आय और व्यय। इस महीने में आय और व्यय बराबर रहेगा। इस महीने में जितना आमदनी होगी उतना खर्चा होगा, बस थोड़ी सी बचाने की कोशिश कीजिए ताकि बैलेंस आपका बने, क्योंकि लग्न का मंगल बैलेंस न बनने की वजह से आपको टेंशन डाल सकता है। हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इस महीने में कोई दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय आपको करना चाहिए। आपको प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको लाभ होगा। इस महीने अगर आप बंदर को गुड़ या चना, भुना हुआ चना अगर देते हैं तो भी आपको लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा, तो ये आपको करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अभी वाणी को विराम देते हैं। जय श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान,
तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है श्रीमन्नारायणज्योतिषसंस्थान@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।